दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर विराट कोहली, जो आज के समय में क्रिकेट के भगवान हैं, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, और दोस्तों उनमें से ही एक रिकॉर्ड है वनडे मैच में 49 शतक बनाने का रिकॉर्ड। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने वनडे मैच में टोटल 49 शतक बनाए हैं, और दोस्तों सचिन को केवल एक शतक बाकी थे उनको हाफ सेंचुरी शतक पूरा करने में। लेकिन दोस्तों इस रिकॉर्ड को विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया है, वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों हम सभी जानते हैं विराट कोहली ने अपने जन्मदिन के मौके पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में शतक मारकर सचिन तेंदुलकर का वनडे मैच में 49 शतक की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच में 117 रन मारकर उसने अपना 50 शतक कंप्लीट कर लिया है, और दोस्तों सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दोस्तों विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ के वनडे मैच में अपना हाफ सेंचुरी शतक पूरा किया है। दोस्तों शेरस अय्यर और विराट कोहली ने शतक मारकर केवल सचिन का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, बल्कि मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेकर इंडिया टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में धमाकेदार एंट्री कराया। दोस्तों इंडिया टीम के लिए एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या इंडिया इस वर्ल्ड वर्ल्ड कप जीत पाएगा या नहीं। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।